Hello student, welcome back to Krishna Technical Parshala. Myself Sunil Bharadwaj. Today I will discuss with you energy. मैंने आपको बेटा लास्ट वीडियो के अंदर मैंने वर्क के बारे में बताया था, कंसेप्ट ऑफ वर्क एंड नेचर ऑफ वर्क डन के बारे में बताया था. मैं एक बार फिर बता देता हूँ, थोड़ा सा जनरल आइडिया दे देता हूँ कि हमारे लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको क्या पढ़ाया था. मैंने सबसे पहले बताई थी आपको वर्क डन की डेफिनेशन, और मैंने आपको ये भी बताया था कि एक सिंपल वर्क और एक साइंटिफिक वर्क के अंदर दोनों के बीच में क्या फ़र्क होता है. साइंटिफिक वर्क डिपेंड ऑन द टू फैक्टर, फोर्स अप्लाई ऑन अ बॉडी, देन द बॉडी इज डिस्प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. मैंने आपको बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि जो फोर्स है, वर्क डन है हमारे पास में, वर्क क्या रहता था हमारे पास में, वर्क था हमारे पास में, वर्क डन इज इक्वल टू क्या था, अप्लाइड फोर्स, फोर्स इन टू में डिस्टेंस कह लीजिए या डिस्प्लेसमेंट की मैं बात करता हूँ, ठीक है. तो मैंने बताया था कि आपको W इज इक्वल टू क्या था हमारे पास में, एफ एस था. दिस इज द फर्स्ट फॉर्म. मैंने आपको ये बताया था कि इसके केस में अगर मैं आपसे डिस्कस करता हूँ तो ये हमारे पास में ये केस मैंने आपको बता दिया, W इज इक्वल टू एफ डॉट एस. ओके, इतना अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो. उसके बाद में मैंने आपके साथ में डिस्कस किया था कि वर्क डन इन आ कांस्टेंट फोर्स, किसके साथ में किया था, वर्क डन इन आ कांस्टेंट फोर्स. तो कांस्टेंट फोर्स में वर्क डन की जो डेफिनेशन आई थी, W इज इक्वल टू एफ डॉट एस, ये था. इसको कैसे लिखा था, W इज इक्वल टू एफ एस क्या था हमारे पास में, कॉस थीटा. क्या था हमारे पास में, कॉस थीटा. दिस इज द स्केलर फॉर्म, ये थीटा के साथ में है. फिर मैंने आपको नेचर्स के बारे में बताया था, नेचर ऑफ वर्क डन के बारे में बताया था कि हमारे पास में नेचर ऑफ वर्क डन. मैंने पहला केस किया था, इफ इफ थीटा इज इक्वल टू जीरो, थीटा जीरो मीन्स फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन. किसके उसमें रहेंगे, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन. कॉस जीरो, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस जीरो, कॉस जीरो इज ऑलवेज वन, ठीक है, ऑलवेज वन हो गया हमारे पास में. तो W इज इक्वल टू क्या आता था, एफ ऐसा था. तो इसका मतलब हैंस द वर्क डन इज पॉजिटिव. क्या केस था हमारे पास में, हैंस द वर्क डन इज पॉजिटिव. सेकंड केस क्या कहा था मैंने, मैंने कहा था इफ इफ थीटा, इफ थीटा इज इक्वल टू 90, इट मीन्स दैट द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर एट राइट एंगल टू ईच अदर. तो इस केस में हमारे पास में वर्क डन क्या आ जाता था, W इज इक्वल टू जीरो. क्या आ गया था हमारे पास में, जीरो आ गया था. थर्ड केस में मैंने बताया था एफ थीटा इज इक्वल टू क्या था, पाई कह लीजिए या 180 कह लीजिए. 180 मीन्स फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द अपोजिट डायरेक्शन. किसकी मैंने बात की थी, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द अपोजिट डायरेक्शन. तो W इज इक्वल टू क्या आया था, माइनस एफ डॉट एस. तो इस तरीके से मैंने आपको ये सारे चीज के बारे में पढ़ाया था. वर्क डन इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी मैंने आपको पढ़ाया था. रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के फॉर्म में हम स्केलर प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं. आपको पता होना चाहिए स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्या था. मैंने बताया था ए डॉट बी, दिस इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर. क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड कॉस थीटा. ये हमारे पास में क्या होती है, एक प्रॉपर्टी. इतना सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा बेटा. इसके बाद में जो अप्लाइड फिजिक्स के अंदर जो सिलेबस दिया हुआ है उसमें है कंसेप्ट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है. ये जस्ट बाद है किसके, वर्क डन के बाद है. क्या चीज है, कंसेप्ट ऑफ फ्रिक्शन. लेकिन फ्रिक्शन वाला पार्ट एक अलग हो जाता है इस केस से, क्योंकि वर्क डन के बाद में हमें क्या पढ़नी होती है, एनर्जी. क्योंकि ये कंसेप्ट है, जहां भी आपने देखा होगा क्लास नाइन्थ के अंदर पढ़ा होगा तो एक चैप्टर आता है वर्क एनर्जी एंड पावर. इलेवेंथ के अंदर भी आप पढ़ते हो वर्क एनर्जी एंड पावर. फ्रिक्शन वाला फोर्स जो पार्ट चैप्टर आता है वो आता है जस्ट हमारे लॉ ऑफ मोशन के बाद में, ठीक है. क्योंकि हम वहाँ पे मोशंस की बात करते हैं, सारे केस में हम डिस्कस करते हैं. तो यहाँ पे मैं उस वाले टॉपिक को मैं बाद में आपसे डिस्कस करूँगा. यहाँ मैं वर्क डन के बाद में सीधे आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ एनर्जी के बारे में. चलिए हम अपने आज के जो मुख्य टॉपिक है जिसका नाम है एनर्जी, किसकी मैं बात करता हूं, एनर्जी. तो एनर्जी पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा सा एनर्जी की बात कर लेता हूं आपसे. एनर्जी, एनर्जी
जो एक रूप है वो एक रूप किसका ही है, वाग्डन का ही रूप है, क्योंकि एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू वर्क, ठीक है, या कह लीजिए आप सिंपल वर्णों में कह लीजिए द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी, सिंपल फॉर्मेट में आप कह लीजिए कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एनर्जी, या कह लीजिए एबिलिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी। तो ये एनर्जी हमारे पास में क्या चीज़ है, एनर्जी की जो यूनिट है डायमेंशनल फॉर्मूला है, एनर्जी जो हमारे पास में स्केलर क्वांटिटी बिल्कुल वेक्टर के बिल्कुल वर्कडन के बराबर ही होता है, क्योंकि ये वर्कडन ही है एक तरीके से, क्योंकि एनर्जी एनर्जी को जब हम मेजर करते हैं तो केवल इस तरीके से मेजर करते हैं कि द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क दैट अ बॉडी कैन डू, कि कितना अमाउंट ऑफ वर्क एक बॉडी ने किया है, तो उससे हम एनर्जी के बारे में बताते हैं। भाई एनर्जी ऐसा नहीं देगा, किसी बंदे ने कोई काम किया तो उसने ज़्यादा देर तक किया कि इस कहेंगे ना इसके अंदर एनर्जी ज़्यादा है, किसी ने कम किया तो कह देंगे इसके अंदर एनर्जी कम है, तो ये सारे डिपेंड करती है वर्क डन के ऊपर। तो मैं कहता हूँ आपसे द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क वर्क इज नोन एज एनर्जी। क्या चीज है, एनर्जी, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी। क्या कहेंगे हम इसको, एनर्जी कहेंगे। तो मैं बात करता हूं, हमारे पास में एनर्जी हैगी, इट इज मेजर्ड बाई मेजर्ड बाई द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क ऑफ वर्क दैट अ बॉडी कैन डू, ठीक है, अगर हम इसको मेजर करेंगे द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क दैट अ बॉडी कैन डू, तो ये हमारे पास में इस तरीके से एनर्जी की मैं बात कर देता हूँ। तो एनर्जी हमारे पास में नोट, आप देखिए बेटा नोट, मैं नोट के अंदर आपको लिखवा देता हूँ, फर्स्ट पॉइंट लिखवा देता है, एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्या चीज है हमारे पास में, क्वांटिटी, ये क्या चीज है, एनर्जी हमारी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल, जूल हमारे पास में क्या है, जूल। थर्ड केस की मैं बात कर रहा हूं, सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी क्या रहेगी हमारे पास में, अर्ग रहेगी, क्या रहेगी, अर्ग रहेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देख लिया हमारे पास में एनर्जी जो स्केलर क्वांटिटी, एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी जूल, और सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी इज अर्ग। फोर्थ पॉइंट और बता देता हूं मैं आपको, डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी, एनर्जी इज क्या रहेगी हमारे पास में, ये रहता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला। ये वर्क के हैं, क्योंकि हम क्या चीज है, एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ वर्क, या एनर्जी इज इक्वल टू वर्क, क्योंकि हमारे पास में एनर्जी किसको करती है, वर्क, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, सीधे सीधे से नाम ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है वो, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की जो क्षमता है उसे क्या कहते हैं हम, उसको कहते हैं क्या, एनर्जी, ठीक है, क्या कहते हैं हम उसको, एनर्जी कहते हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ऊर्जा, हिंदी में बोले तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा हम कहते हैं। तो ये सारा पार्ट आपने देख लिया, अब मैं बात कर देता हूँ आपसे फॉर्म ऑफ एनर्जी की, कि कितनी है, देयर आर सेवरल फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, कौन कौन सी फॉर्म है, फॉर्म ऑफ एनर्जी मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, क्योंकि देखिए मैं बात कर देता हूँ नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी, ठीक है, तो देयर आर सेवरल फॉर्म ऑफ एनर्जी। सबसे पहले मैं बात करता हूँ मैकेनिकल, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, दूसरी मैं बात कर देता हूँ पोटेंशियल, मैकेनिकल एनर्जी के बाद में मैं कर देता हूँ न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी,
इसी में बात कर देता हूँ लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी। तीसरी में, फोर्थ में बात करता हूँ केमिकल एनर्जी, एनर्जी। नेक्स्ट अगर मैं बात कर देता हूँ, मैकेनिकल होगी, न्यूक्लियर होगी, लाइट एनर्जी होगी, सोलर एनर्जी, ठीक है। सिक्स बताइए, न्यूक्लियर होगी, ये फॉर्म है, फॉर्म ऑफ एनर्जी, देयर आर सेवरल फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्योंकि आपको तो केवल क्या पढ़ना है, आपको सिंपल मैकेनिकल एनर्जी के बारे में बताना। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो ये भी हमारे इसके पार्ट हो जाते हैं कि कौन कौन से हमारे पास में आ जाएंगे। ये होगी मैकेनिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, लाइट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, सोलर एनर्जी, और बताइए मस्कुलर एनर्जी, देखिए और, ठीक है। मस्कुलर एनर्जी है, साउंड एनर्जी है, साउंड एनर्जी। सेवन है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एनर्जी, और भी आप कह सकते हो। एट पर आप लिख सकते हो मैग्नेटिक एनर्जी, देयर आर सेवरल फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या चीज़ है ये? एनर्जी की फॉर्म है। और भी बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ना चाहोगे तो पढ़ सकती है। अब मैं बात कर देता हूँ आपसे मैकेनिकल एनर्जी। किसकी मैं बात कर देता हूँ बेटा? मैकेनिकल एनर्जी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। क्या चीज है मैकेनिकल एनर्जी? ये है मैकेनिकल एनर्जी, एनर्जी इज डिफाइंड एज द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। क्या रहेगा? पोटेंशियल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी जो रहेगी, मैकेनिकल एनर्जी, एनर्जी क्या रहेगी बेटा? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये याद रखना। क्योंकि इन एनर्जियों को पढ़ाने से पहले तभी तो मैं आपको पढ़ाऊंगा काइनेटिक एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है। तो इनको पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए मैकेनिकल एनर्जी क्या है। मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो अब मैं बात करता हूँ आपसे, किसकी मैं बात कर रहा हूँ? मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी के बारे में, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी, दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास में क्या रहती है? क्या कहता है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। मैं किसकी बात करता हूँ? सॉरी, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन की मैं बात कर, पोजीशन हमारे केस में आ जाता है। किसके केस में? पोटेंशियल एनर्जी के केस में। तो मैं बात कर रहा हूँ आपसे एनर्जी, एनर्जी की डेफिनेशन। जो हमारे पास में काइनेटिक एनर्जी है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल रखती है। क्योंकि हमें, हम देखिए अपने दैनिक जीवन में जितने भी ऑब्जेक्ट मूव्स करते हैं उन सभी के अंदर क्या रहती है? काइनेटिक एनर्जी रहती है। तो ये है हमारे पास में इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है? द एनर्जी प्रोसेस बाई अ बॉडी, द एनर्जी प्रोसेस, द एनर्जी प्रोसेस बाई द एनर्जी प्रोसेस बाई अ बॉडी बाई वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड, क्या कहेंगे इसको? काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। दोबारा से देख लिए, द एनर्जी प्रोसेस बाई अ बॉडी बाई वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज नोन एज, क्या कहेंगे हम इसको बेटा? काइनेटिक एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल की मैं बात कर देता हूँ,
ठीक है, जितने भी मैं बात कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं बात कर देता हूँ मूविंग व्हीकल्स पसेस काइनेटिक एनर्जी। जितने भी हमारे मूविंग व्हीकल्स हैं वो क्या करते हैं, पसेस करते हैं काइनेटिक एनर्जी को। ठीक है, अगर मैं बात कर लेता हूँ आपसे कि हमारे पास में जो नेक्स्ट एग्जांपल है कि फ्लोइंग वाटर, जो हमारे पास में बहता हुआ जल है, तो मैं बात कर रहा था फ्लोइंग वाटर पसेस काइनेटिक एनर्जी विच इज यूज टू रन वाटर मिल्स, द वाटर मिल्स। ठीक है, कि हमारे पास में पहला एग्जांपल क्या लिया है मैंने, द फ्लोइंग वाटर पसेस काइनेटिक एनर्जी विच इज यूज टू, जिसका हम प्रयोग कर सकते हैं रन द वाटर मिल्स। अगर मैं बात कर देता हूँ मूविंग एयर पसेस काइनेटिक एनर्जी, जो चलती हुई हमारी हवा है वो भी क्या करती है, काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करती है, विच कैन बी यूज टू रन विंड मिल्स। हम क्या कर सकते हैं, विंड मिल्स की बात कर सकते हैं। मूविंग हेयर पसेस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, जो हमारे पास में मूविंग हैमर हथौड़ा जो होता है, उसको हम किसी भी चीज़ को ठोकते पीटते हैं, तो वो भी क्या करता है, काइनेटिक एनर्जी की बात करता है। इन जनरल अगर मैं बात करता हूँ, ऑल मूविंग ऑब्जेक्ट्स पसेस काइनेटिक एनर्जी, जितने भी हमारे मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं क्या चीज़ है, वो क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी पसेस करते हैं। तो ये एग्जांपल मैंने बहुत सारे आपको बता दिए। अब मैं बात कर देता हूँ, यहाँ पे नोट लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ जो केस है, नोट किस केस की मैं बात कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ आपसे फर्स्ट की, ठीक है, कि काइनेटिक एनर्जी जा कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्या चीज है ये, क्वांटिटी, पहला केस। दूसरा केस आपने क्या देखा, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास में स्केलर क्वांटिटी है। सेकंड केस में क्या कहती है, एस आई यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, के डॉट ई इज क्या कह देते हैं, हम जूल, जूल। थर्ड केस में मैंने क्या कह दिया, सी जी एस यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज क्या बोलेंगे, अर्ग, अर्ग। यहां तक आपने देख लिया। फोर्थ केस की अगर मैं बात करता हूं, फोर्थ केस में डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला इज सेम एज दैट ऑफ वर्क डन, क्या चीज है, वर्क डन। क्या होता है भैया डायमेंशनल फॉर्मूला, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू इज सेम इन केसेस, एनर्जी का कह लीजिए या काइनेटिक एनर्जी का कह लीजिए। ये सारी चीज आपने क्या कर ली है, हमारे पास में डिस्कस की है। अब मैं इसके एक्सप्रेशन को बताता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दो मेथड से मैं आपको बताऊंगा, एक कैलकुलस मेथड से बताऊंगा और एक सिंपल जो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन है उनसे मैं आपके साथ में डिस्कस करता हूं। ठीक है, एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, दिस इज द टॉपिक, एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो देखिए मान लेते हैं हमारे पास में कोई एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, क्या चीज है, दिस इज द हॉरिजॉन्टल सरफेस, क्या चीज है, हॉरिजॉन्टल सरफेस। यहां पर एक बॉडी, डिफरेंट कलर्स में आपको दिखा देता हूं, दिस इज अ बॉडी, दिस इज द बॉडी। ठीक है, यहां पर एक बॉडी हैविंग मास, इसका मास क्या चीज है, मास हमारे पास में क्या चीज है, एम है। ठीक है, ये और इसकी इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, मैं बात कर देता हूं इनिशियल वेलोसिटी, क्या चीज है, यू है, क्या चीज है, इनिशियल वेलोसिटी यू। इट मींस दिस ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, क्या चीज है, एट रेस्ट। तो यू हमारे पास में इस केस में क्या रह जाएगा, यू इज इक्वल टू जीरो। आगे सुन में, जब यहां पर कोई भी फोर्स नहीं लगाया जाता, ठीक है, एफ इज इक्वल टू जीरो, तो ऑब्जेक्ट लाई इन एट रेस्ट। आफ्टर सम टाइम वी अप्लाई अ फोर्स,
हमने इस पे एक फोर्स लगा दिया। क्या लगा दिया? एक फोर्स लगा दिया। थोड़ा सा टच करना है हॉरिजॉन्टल सरफेस से, ये रहा। जब हमने इस पे फोर्स अप्लाइड कर दिया, अप्लाइड करने पे इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या आ जाएगी? वी। वी हमारे पास में क्या? फाइनल वेलोसिटी। क्या चीज है? फाइनल वेलोसिटी, वेलोसिटी। तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी। और जब ये हमारे पास में वेलोसिटी ट्रेवल करेगी तो हैविंग अ डिस्टेंस एस, ठीक है, ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस एस, तो ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। क्या करेगी? एस डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो ये सारा केस है। सपोज अ बॉडी इज लाइंग एट हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है, एंड दिस बॉडी इज लाइज एट रेस्ट, देन देर इज नो फोर्स एंड हैविंग द इनिशियल वेलोसिटी जीरो। हमारे पास में रेस्ट में है तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो रहेगी। देन वी अप्लाइड अ फोर्स ऑन अ बॉडी, देन द बॉडी इज डिस्प्लेस, ठीक है, क्या कह सकते हैं? देन अ बॉडी इज डिस्प्लेस एंड ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस, क्या कर देगी? एस, ठीक है, विद वेलोसिटी वी। तो ये हमारे पेस में केस हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, देखिए सॉल्यूशन करते हैं। अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, मोशन क्या होती है बेटा? ये होती है हमारे पास में वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस। क्या रहती है? वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या रहती है? टू ए एस। तो ये हमारे पास में एक इक्वेशन रहेगी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस। आपको पता है, मैं आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन शब्दों में कह देता हूँ, यहाँ पर इसको समझा देता हूँ। वेयर वी क्या चीज़ है हमारे पास में? फाइनल वेलोसिटी। क्या चीज़ है? फाइनल वेलोसिटी। बिल्कुल समझ में आ गया, हो गया, ओके। यू क्या चीज़ है? इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। ए क्या चीज़ है? एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। एस क्या चीज़ है हमारे पास में? डिस्टेंस, ठीक है। ये सारी चीज़ आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन पता है कि हमारे में वी स्क्वायर इज इक्वल टू, बट आपको पता है, बट यू इज इक्वल टू जीरो बिकॉज ऑब्जेक्ट लाइज एट रेस्ट, ठीक है, यहाँ लिख दीजिए ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? आपने देखा वी स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस, और आपने यहां से a इज इक्वल टू अगर निकालना चाहते हो तो v स्क्वायर अपॉन में 2s, दिस इज द फर्स्ट एक्सेलरेशन आपने यहां से निकाल लिया, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। यहां तक किसी को? अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ऑफ मोशन क्या कहता है बेटा? F is equal to ma, this is the second. Now putting the value of a, so F is equal to m v square upon me 2s. This is the equation third. यहाँ तक आपने देख लिया हमारे पास में क्या हो गया? F force हो गया। तो work done हमारे पास में क्या रहेगा? Work done by a body, तो वर्क डन हमारे पास में क्या रहेगा? मैं ये रफ कर देता हूं, ठीक है, वर्क डन बाय अ बॉडी तो W बराबर क्या रहता है हमारे पास में? आपको पढ़ाया है F डॉट S, तो W इज इक्वल टू अगर मैं F की वैल्यू डाल देता हूं एम वी स्क्वायर अपॉन में 2s इंटू में s, s से s कैंसिल आउट हो गया, तो w इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, दिस इज द वर्क डन इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। क्या रहेगा? हेंस वर्क इज इक्वल टू एनर्जी, हेंस वर्क डन इज इक्वल टू
इक्वल टू एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वन बाई हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगी, इसके एक तरीके से हमारे पास में काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर के। किसके बराबर हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर के। उससे पहले मैं आपको इक्वेशन बता देता हूँ कि हमारे जो अप्लाइड फिजिक्स के अंदर है, तो जनरल सिलेबस था जो मैंने आपको पढ़ाया था, लेकिन उसमें इक्वेशन वाला पार्ट नहीं था। मोशन की 3 इक्वेशन होती है, और हमारे पास में क्या रहती है, ये रहती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, पहली इक्वेशन जो रहती है हमारे पास में। सेकेंड इक्वेशन जो रहती है हमारे पास में वो रहती है हमारे पास में, एक थर्ड इक्वेशन कौन सी थी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, जिसको हमने अभी यूज किया था, वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू टू एस। और एक बराबर रहती है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो मैं इन तीनों इक्वेशन को एक बार आपके सामने लिख देता हूँ, यहाँ मैं इनको लिख देता हूँ जो हमारे इक्वेशन है, इनको आपको याद रखना है। ठीक है, अब मैं इसी के साथ में एक्सप्रेशन एक और कराता हूँ, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन, क्योंकि यहाँ से प्रॉब्लम ज़्यादा आती है इस आर्टिकल से। सबसे पहले पहला रिलेशन है हमारे पास में v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, पहला इक्वेशन, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड है हमारे पास में s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दिस इज द सेकंड रिलेशन। थर्ड है हमारे पास में v इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये तीनों इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए, यू टी यू यू मीन्स इनिशियल वेलोसिटी, टी इज द टाइम पीरियड एंड ए इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू अ बॉडी। ठीक है, और यू और ये सारी चीज़ें, ए एक्सेलरेशन हो गया, एस डिस्टेंस होगी, तो ये सारी चीज़ आपने देखनी है किस तरीके से आपने ये आती है। अब मैं आपको एक काइनेटिक एनर्जी का एक रिलेशन है, देखिए रिलेशन बिटवीन, तो रिलेशन की मैं बात कर रहा था, देखिए ये इक्वेशन आप उतार लीजिए, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट इक्वेशंस, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे रिलेशन हम निकालते हैं। तो अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, इसकी मैं बात करता हूँ रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। देखिए बाय द डेफिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो K इसको रिप्रेजेंट करते हैं, K डॉट E से ही लिख लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, दिस इज द फर्स्ट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लीनियर मोमेंटम क्या कहता है, लीनियर मोमेंटम कहता है हमारे पास में इसको क्या करते हैं, P इज इक्वल टू एम वी, दिस इज द सेकेंड। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आपने काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, आपको क्या काम किया, एम से मल्टीप्लाई कर देना, एम से क्या कर देना, डिवाइड कर देना है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी, एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन में टू एम, क्या आ जाएगी, एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन में टू एम। और देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी, इसको लिख सकते हैं एम वी का स्क्वायर अपॉन में टू एम, और काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एम वी बराबर क्या चीज़ है, पी स्क्वायर अपॉन में टू एम
ठीक है। और यहाँ से पी स्क्वायर इज इक्वल टू टू एम ई कह दीजिए, काइनेटिक एनर्जी को के से रिप्रेजेंट कर देते हैं, के से, ठीक है, के से है कहीं, इसको के से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, पी से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, के से कर देते हैं, तो पी इज इक्वल टू अंडर रूट टू एम के, दिस इज द रिलेशन, ये याद रखना, के इज काइनेटिक एनर्जी, मैं आपको लिख देता हूँ, वेयर के इज काइनेटिक एनर्जी। बताइए यहाँ तक अगर आपको किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो, थोड़ा सा डिस्टरबेंस रहता है क्योंकि हम लोग गांव में रहते हैं तो थोड़ा सा बच्चे शोर करते हैं, मैं कोशिश करता हूँ बहुत ज़्यादा ना हो, इसलिए बार बार मुझे वीडियो को पॉज करना पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे कि आपको इस तरीके की प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, थोड़ा एडजस्ट कीजिए। तो हमने रिलेशन भी आपके साथ में कर लिया, अब मैं बात करता हूँ आपसे काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ कैलकुलस मेथड। कह लीजिए अगर मैं बात करें काइनेटिक एनर्जी किसके द्वारा करनी है, हमें कैलकुलस मेथड के द्वारा करनी है, ठीक है, किसके द्वारा, मेरा नेक्स्ट टॉपिक है काइनेटिक एनर्जी यूजिंग कैलकुलस मेथड, ठीक है, हमें क्या करना है कैलकुलस मेथड के द्वारा काइनेटिक एनर्जी करनी है। अभी उससे पहले मैंने क्या की थी, हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज किया और हमने सीधा एक फॉर्मेट बना करके काइनेटिक एनर्जी का क्या कर दिया, प्रूव कर दिया कि काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर रहती है, हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर रहती है। तो मैं कहता हूँ इसके लिए हम करते हैं कंसीडर अ बॉडी हैविंग मास एम इनिशियली एट रेस्ट, ठीक है, इनिशियली रेस्ट का मतलब है यू इक्वल टू जीरो, ठीक है, लेट अ फोर्स एफ बी अप्लाइड ऑन अ बॉडी, then the body produced a displacement ds in own direction, own direction का मतलब theta is equal to zero, क्या चीज है, थीटा जीरो। नाउ स्मॉल वर्क इज डन, नाउ स्मॉल वर्क डन, तो स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू क्या रहता है, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, भाई ये रहता है ना फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं बात कर देता हूं इफ थीटा क्या दे रखा है, जीरो, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी एस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी एस, कॉस जीरो वन रहता है, तो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है बेटा, एफ इज इक्वल टू एम ए, चलो एम ए हो गया, और दिस इज द टू, ए बराबर क्या रहता है डी वी ओवर में क्या रहता है डी टी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी,
सॉरी एक्सेलरेशन ड्यू टू अ बॉडी और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रहता है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो अगर सेकंड को हमने क्या लिख दिया, एफ इज इक्वल टू, हमने क्या लिख दिया, एम डी वी ओवर में डी टी। यहां तक कोई यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, यूजिंग इन इक्वेशन फर्स्ट देन वी हैव है, मैं यहां कर सकता हूं इसको, ठीक है। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ की वैल्यू क्या है, एम डी वी ओवर में डी टी इन टू में डी एस, कोई प्रॉब्लम। तो यहां पर आपने इसको रीअरेंज कर दिया, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एम डी एस ओवर में डी टी, इस डी एस डी टी को इसके नीचे ले गया इन टू में डी वी, वेयर वेयर डी एस ओवर में डी टी क्या रहता है, वी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। तो हमारे पास में वेलोसिटी आ गई, तो देखिए हमारे पास में जो डी डब्ल्यू की वैल्यू है, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा एम वी, हमारे पास में क्या हो गया वी, और क्या जाएगा डी वी, ठीक है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड हैविंग वेलोसिटी फ्रॉम यू इक्वल टू जीरो टू वी, ठीक है भाई। इनिशियल से फाइनल की तरफ मूव कर रहा है, तो यहां से W इज इक्वल टू इंटीग्रेट जीरो टू वी एम डी एम वी डी वी। तो इंटीग्रेट करेंगे, M इज अ कॉन्स्टेंट, इंटीग्रेशन आ जाएगा V स्क्वायर ओवर में क्या जाएगा टू। जब किसी भी चीज का इंटीग्रेट करते हैं, जैसे कोई X है, तो यहां पर x की पावर n करते हैं, तो x की पावर n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन, तो है x की x भी है, उसकी पावर क्या वन है, वन प्लस वन अपॉन में वन प्लस वन टू आ जाता है। लिमिट कहाँ जाएगी, जीरो टू v, और w इज इक्वल टू ये जीरो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो हाफ एम वी स्क्वायर। w बराबर ये है, और w किसके बराबर रहता है, w बराबर रहता है काइनेटिक एनर्जी के। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, हाफ एम वी स्क्वायर के। तो इस तरीके से आपने कैलकुलस मेथड भी पढ़ लिया, ठीक है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैंने आपको क्या पढ़ाया, इस तरीके के कंसेप्ट पढ़ाए हैं। अब मैं आपको पढ़ाता हूँ एक न्यूमेरिकल पढ़ाता हूँ। न्यूमेरिकल को देखिए, इसके ऊपर प्रॉब्लम किस तरीके से आती है, ये प्रॉब्लम ज़रूरी है आपको, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो कंसेप्ट आप एक मैथमेटिकल फॉर्म में पढ़ रखे हो, तो उनको एक प्रॉब्लम के फॉर्म में किस तरीके से आप देखोगे। तो प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम फर्स्ट है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर वन कहता है, ये कहता है अ बॉडी ऑफ मास 4 kg, ठीक है, किसकी मैं बात करता हूँ, अ बॉडी ऑफ मास 4 kg initially at rest is subjected to a force force दे रखा है 60 newton, क्या दे रखा है 60 newton। देखिए अ बॉडी ऑफ मास 4 kg इनिशियली एट रेस्ट इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स 60 newton, what is the kinetic energy acquired by the body at the end of
end of 10 सेकेंड, ये चीज है आपके पास में। देखिए क्या है आपको गिवन, क्या क्या है सबसे पहले वो देख लीजिए। आपको बॉडी का मास है, मास ऑफ अ बॉडी, इसका मतलब आपको एम गिवन है, कितना है 4 kg। पहली बात, आपको फोर्स गिवन है, फोर्स एफ गिवन है आपको, क्या चीज है एफ गिवन है, कितना 16 newton। और आपको एस मतलब टाइम गिवन है, टी बराबर क्या है 10 सेकेंड, ये चीज आपको गिवन है, ठीक है। और आपको क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर, क्या चीज है हाफ एम वी स्क्वायर। आपके पास एम भी है लेकिन वी नहीं है, क्या चीज नहीं है आपके पास में, वी नहीं है। वी को निकालने से पहले अब देखिए मैंने क्या बताया था, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, मोशन क्या है, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यही तो है हमारे पास में, वी इज इक्वल टू दिस। और यहां पे ये भी गिवन है u इज इक्वल टू 0 इनिशियली एट रेस्ट, बिल्कुल सिंपल फॉर्मेट में कहा गया है इनिशियली एट रेस्ट, तो u हमारे पास में 0। तो v अगर मैं निकाल देता हूं यहां से, आपको पता है a, अब एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन तो आप यहां से निकाल सकते हो, ये तो फॉर्मूला है, ये आपने यहां रख दिया, इसको इक्वेशन बना दिया 1, इसको छेड़ना नहीं है। अब आपको क्या निकालना, f इज इक्वल टू क्या रहता है, m में रहता है भैया, ए बराबर क्या हो गया एफ अपॉन में एम हो गया, एफ की वैल्यू क्या है 16 newton, एम क्या चीज है हमारे पास में 4 kg, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, कितना आ जाएगा बताइए 4 आ जाएगा ना, 4 meter per second square, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 4 meter per second square। तो एक्सेलरेशन ए आ गया, यू भी है टी भी है, वी निकाल देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो v इज इक्वल टू यू क्या चीज है 0 है, प्लस a क्या चीज है 4 हो गया, इन टू में t क्या चीज है 10 सेकेंड हो गया 10, तो वेलोसिटी क्या होगी v इज इक्वल टू क्या होगी 40 meter per second, कितना आ जाएगा 40 meter per second। अब काइनेटिक एनर्जी आपको पता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हाफ m, क्या चीज है आपके पास में 4 है, 4 into में, और v स्क्वायर कितना है 40 का स्क्वायर, इसको 2 से डिवाइड कर दिया, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 2 into में दिस इज द 3200। इसको अगर लिखना चाहते हो, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास में कितना रहेगी 3.2 × 10⁻³ जूल, या तो ऐसे लिख दीजिए, या काइनेटिक एनर्जी क्या है ये 3200 जूल। इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन हो गया, इस तरीके से आपका प्रॉब्लम पूछे, दिस इज द सिंपल फॉर्मेट की इक्वेशन रहती है, केवल आपको कंसेप्ट समझना है। ये इक्वेशन मैंने आपको लिखा दी है, उनको आप राइट डाउन कर लेना, क्योंकि इनके ऊपर आपसे प्रॉब्लम पूछ सकता है। तो आगे एक और क्वेश्चन है कि मैं मोमेंटम का केस कराता हूं, एक रिलेशन दिया था ना, रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2, द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी ऑफ मास, मास दे रखा है आपको 5 kg, इज 500 kg meter per second, क्या दे रखा है मीटर पर सेकेंड। अब आपको ये देखा मोमेंटम की मैंने बात कर दी है, द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, ये फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी क्वेश्चन है, फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी, सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, आप देखिए करिए आप,
बताइए हमें कमेंट में करके कि आपका इसका आंसर क्या आता है। चलिए हम आपको करने का एक चांस दे रहे हैं। करिए जल्दी, बड़ा ही सिंपल आंसर है। देखिए सॉल्यूशन, देखिए आपके पास में मास है, मास m गिवन है, कितना है 5 kg। मोमेंटम है mv है, ठीक है, मोमेंटम गिवन है, इसका मतलब p गिवन है, p1 की p कितना है 500 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, यही है। काइनेटिक एनर्जी आपको निकालनी है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, रिलेशन आपने देखा है काइनेटिक एनर्जी का, क्या देखा था, काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन देखा पी स्क्वायर अपॉन में 2m, ये देखा था आपने काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन देखा था। तो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी, क्या चीज है हमारे पास में, ये 500 का स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू में क्या चीज है 5, ये आ गया कितना आ गया 2500, ये इतना आ गया अपॉन में कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या है 25,000, इतनी क्या जाएगी जूल, क्या जाती है जूल, इतने जूल्स। और इसको कैसे लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी बराबर 2.5 × 10⁴ जूल्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सारे सवाल सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो आज के इस कंसेप्ट में मैं काइनेटिक एनर्जी वाला ही पार्ट कर रहा हूँ खत्म, और अगली इस वीडियो के अंदर आपसे पोटेंशियल एनर्जी का केस डिस्कस किया जाएगा और साथ में आपको पावर के बारे में बताया जाएगा। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू, बाय बाय।